छोटी छोटी जगह संबंध जुड़ जाता है तो भी अच्छा महसूस होता है, और जो सबसे ऊपर बैठा है भगवान उससे संबंध जुड़ जाए फिर तो बात ही क्या है। इसलिए सब लोग जयराम जी की बोलो भैया, दूसरी जगह संबंध जुड़ने पे बने हुए अभिमान को जब उस संबंध से कोई हानि होती है तो छोड़ भी देता है, पर भगवान से जो संबंध जुड़ता है उस संबंध के अभिमान को जीव कभी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ईश्वरीय संबंध कभी हानि नहीं देता, वह हमेशा कल्याण करने वाला होता है, लाभ करने वाला होता है। इसलिए सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये प्रार्थना कर रहे हैं। संसार में आप देखना, किसी एक चीज का अभिमान हो जाता है, फिर उसका नुकसान होता तो आदमी दूसरी जगह अभिमान शिफ्ट करता है, अरे यार यहाँ मजा नहीं आया, अब दूसरी जगह देखते हैं। तो रूप के अभिमान को फिर नाम के अभिमान से जोड़ता है, नाम के अभिमान को फिर ज्ञान के अभिमान से जोड़ता है, ज्ञान के अभिमान को फिर ध्यान के अभिमान से जोड़ता है, अभिमान में शिफ्टिंग चलती रहती है। पर जब यही अभिमान भगवान के साथ जुड़ जाता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग, फिर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती, इसको बदलने की जरूरत नहीं रहती है। कल भी अपन थोड़ी सी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, एक रस सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो एक ही स्थान है भगवान वास। सो इट इज मस्ट फॉर एवरीवन दैट दे हैव टू कनेक्ट himself in holy feet of Lord Krishna। इसलिए हर आदमी के लिए ये जरूरी है, जयराम जी की बोलो भैया, हर आदमी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ ले, क्योंकि हम सभी आत्मा है, जीवात्मा है, और जीवात्मा होने के कारण से मूल में हम सबकी एक ही इच्छा है, सच्चा सुख मिल जाए। मूल में जीवात्मा है, सभी जीवात्मा है, मूल में हम सबकी एक ही इच्छा है। आगे जाके कोई शाखा इधर चली जाती, कोई शाखा उधर चली जाती, कोई शाखा उधर चली जाती, पर आप देखेंगे मेन स्टेम एक ही रहता है। जयराम जी की बोलो, मेन स्टेम जो होता है वो सीधा उठता है, बाकी बाद में शाखाएं इधर उधर फैलती हैं। जब हम संसार में बहुत आगे चले जाते हैं, ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद इधर सुख मिल जाएगा, उधर सुख मिल जाएगा, उधर सुख मिल जाएगा, पर आप अपने मेन स्टेम को अगर देखेंगे तो सबका एक ही है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में। इट्स अ मेन स्टेम, ये हम सबकी इच्छा है, जोड़ने का साधन सत्संग है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और होते रहते हैं इस तरह की वातावरण में, क्योंकि भगवान से जुड़ने का कलयुग में कोई और साधन बचा नहीं है, कोई साधन नहीं बचा।